खाली रोड, खतरनाक वैली। हम यहाँ पे फोटोग्राफी करने रुकना चाहते हैं बट रुकेंगे नहीं बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि ऐसे नज़ारे हमें आगे मिलते ही रहेंगे तो लालच में आना अच्छी बात नहीं है, भावनाओं में खो जाना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट व्यू विच वी विल कीप ऑन गेटिंग ऑन दिस रूट। तो जहाँ पे टाइम होगा जब वहाँ पे हम ये फोटो खींचेंगे। बाकी ये मस्त वैली जिसके बगल से मस्त रोड और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, वाह। ब्लाइंड कर्व, लकीली अभी तक हमें एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली है, तो इट्स ऑल्सो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आप शिमला से काजा की तरफ जा रहे हैं तो एटलीस्ट तुंदू तक तो कोई वाटर क्रॉसिंग आपको नहीं मिलेगी। और ये एकदम फिर से एप्पल ऑर्चर्ड के बीच से हम गुजरते हुए जिसमें एकदम मस्त लाल रंग के खूबसूरत पेड़ टंगे हुए हैं और ये एक मनमोहक नज़ारा। ओह माय गॉड, वाओ मैन वाओ, एप्पल सी एप्पल्स चारों तरफ, किन्नौरी एप्पल, नहीं सॉरी ये तो किन्नौर नहीं है तो लाहौल स्पीति है, तो स्पीति के एप्पल्स, ऑल एक्सपोर्ट क्वालिटी एप्पल जो आपको कभी खाने को नहीं मिलते हैं, और आपको खाना है तो इसको आपको हॉलैंड जाना पड़ेगा यही एप्पल खाने के लिए, और नहीं तो यहाँ पे आओ और यहाँ के एप्पल्स खाओ। दीज आर ऑल एक्सपोर्ट क्वालिटी एप्पल्स जो इंडिया में बहुत जो खराब क्वालिटी के एप्पल्स बच जाते हैं वो इंडिया में बिकते हैं और बाकी सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं भाई। तो आओ और स्पीति का एप्पल यहीं पे आके खाओ। अभी तक की रोड जो थी नारकंडा तक तो खैर अच्छी रोड है, नारकंडा से आगे के रोड को आई विल गिव अपॉन एज अ राइडर, एज अ बाइक राइडर आई विल गिव 7 out of 10। रोड कंडीशंस आर गुड, कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है रोड में, जहाँ पे रोड पैचेस खराब है वहाँ पे काम चल रहा है, बीआरओ काम कर रही है वहाँ पे, और जहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत पैचेस खराब हैं वो आर इजीली नेगोशिएबल। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं बाइक लेके जाऊँगा रोड खराब मिलेंगे फंस जाऊँगा, तो नहीं, नॉट एन इशू, रोड इज़ वेरी गुड, बट काजा के बाद में रोड्स खराब हो जाएंगे। अनटिल नाउ टिल सुमदो रोड इज़ गुड, बैड पैचेस आर बीइंग रिपेयर्ड, और बीच में इन बारिशों के सीज़न में यहाँ पे काफ़ी फ्लैश फ्लड भी आए थे, तो उससे जो भी डैमेज हुआ था आई थिंक वो सब रिपेयर हो चुका है। ऐसे यहाँ पे कोई बारिश होती नहीं है, इट्स रेन शेडो एरिया। बताने का फ़ायदा तभी अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान करें, यहाँ पे ज़रूर आएँ मेरे हिमाचल में, मेरे हिमाचल में ज़रूर आएँ, देवभूमि में आके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मक्खन रोड अभी तक, वो क्या नदी है, क्या नज़ारा है, क्या वादियाँ हैं, क्या हसी मंजर है ये, और क्या रोड है, वाह। ऐसे लगता है कि गालिब अपनी शायरी बोल रहे हैं, इस रोड को देख के ऐसा ही लगता है कि गालिब अपनी शायरी बोल रहे हैं, इतनी मक्खन स्मूथ जैसे कि किसी शायर की शायरी। आह क्या कंपैरिजन किया है मैंने, मतलब चापास सुनी। आगे एक HRTC की बस जिसको हम क्रॉस करेंगे, और बस को देखते ही मुझे मेरी यादें ताज़ा हो जाती है मेरे बचपन की, जब हम उस बस में इतना ट्रैवल किया करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज वी यूज ट्रैवल विद द पेरेंट्स इन दीज HRTC बसेस, आई लव दीज बसेस। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूट पे बसेस से भी ट्रैवल किया जा सकता है, तो बस आपको अपनी टाइमिंग से बस के साथ मैच करनी पड़ेगी। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश .com। तो अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग्स करनी है और इस बस के बारे में जानकारी हासिल करनी है इन इस रूट में जो चलने वाली बसेज हैं, दिस इज अ साइट यू हैव टू विजिट, HRTCHP.com, www.HRTCHP.com। अखबार में कहा किसी ने, अखबार वाला भी इसके अंदर ही बैठा है, क्या बात है टेक्नोलॉजी। पहले हमारे टाइम पे अखबार वाले साइकिल में आते थे, अब बसों में आते हैं और बसों से फेंकते हैं, पहले साइकिल से फेंकते थे, बसों से फेंकते हैं। दिस विलेज इज लारी, लारी
यहाँ पे भी आई थिंक होम स्टेज हैं। विलेज लारी 235 की पॉपुलेशन के साथ, यह है विलेज लारी होम स्टे 50 मीटर। लारी आई थिंक ताबो से 5 किलोमीटर पीछे है। जनरली हम बात करते हैं तो ब्लाइंड कर्व्स की बात करते हैं रोड पे, बट यहाँ पे ब्लाइंड रोड्स हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंड रोड का मतलब कि रोड ऐसे जाएगी और ऐसे उतरेगी, तो जब ऐसे जा रही है तो पीछे वाला जो रोड है वो बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, तो वो ब्लाइंड रोड बन जाता है। ये मेरा खुद का वर्ड है, आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, बट आई कॉल इट ब्लाइंड रोड। ये रहा एक ब्लाइंड कर्व एंड ब्लाइंड रोड बोथ टुगेदर। उस साइड क्या है रोड के पता नहीं, इसलिए स्पीड थोड़ी कम ही रखो। और ये प्लेन रोड फिर से, और फिर से ब्लाइंड रोड। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। हिमाचल में हो तो कुछ भी हो सकता है। ताबो 1 किलोमीटर है यहाँ से। लोसर 103, कुंजुम टॉप 118, कीबर 66, काजा 46, ग्रामपू 83, रोहतांग 196। दिस इज ताबो 3050 meters अहेड ऑफ सी लेवल। और होम स्टे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे ताबो में, और यहीं पे रेस्टोरेंट्स भी हमें मिल जाएंगे, तो होटल बन भी रहे हैं यहाँ पे, और होटल बन भी चुके हैं। और ये मस्त नज़ारा है यहाँ से ताबो का, वही मल्टी कलर्ड माउंटेन। फिर से एक माउंटेन में इतने नज़ारे, इतने कलर, हर एंगल से देखो तो अलग ही खूबसूरती मिलती है देखने को। ताबो ब्रिज, और ताबो ब्रिज के बीच से एक स्ट्रीम छोटी सी जाती हुई, ये नदी है कि स्ट्रीम है मुझे पता नहीं है। और ये मस्त पहाड़, लेड माउंटेन्स, आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप एनी वेयर बिकॉज टाइम मेरे पास है नहीं, तो इसलिए विल नाउ डायरेक्टली हिट काजा। सो हियर व्हाट सम वरीज अबाउट रोड, तो रोड सही में फिर से मैं बोल रहा हूँ, रोड था गुड, पूरा रोड दिख रहा है यहाँ से एंड तक, जहाँ तक भी दिख रहा है देख लो, ब्लैक टॉप रोड एंड इट इज ऑसम रोड मैन। इससे अच्छा और राइडर को क्या चाहिए। ताबो से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर से आगे हैं हम, हाथ सीधे किए जाएँ, हाथ भी थक जाते हैं ड्राइव करके, फ़ोटो खींची जाए, नज़ारा बहुत खूबसूरत। ये एक छोटा सा स्कैन यहाँ का, ये नीचे स्पीति नदी, और मस्त रोड, खतरनाक गहरी खाई, हवाई अलग है यहाँ की, फीलिंग के अलग है यहाँ पे। गलत जगह खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टोन गिरने का बहुत खतरा है, पहाड़ देख रहे हैं तो पत्थरों का जो पहाड़ है, शूटिंग स्टोन गिरने का खतरा है, तो मैंने जो गलती की आप पर करना, खड़े मत होना यहाँ पे। ठीक ठीक पा, तो एकदम बगल में स्पीति नदी के जस्ट ऑन द ग्राउंड रिवर बेड लेवल ऑफ स्पीति रिवर, सिग्नल 0 है फोन का यहाँ पे। अब सिग्नल मेरे ख्याल से काजा में आएगा BSNL का। अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव, इसे ही बोलते हैं। जो अच्छी लगती है चीजें उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाए, और ये अच्छी तो लगी रही है भाई, क्या मस्त पहाड़, ओह ओह माय गॉड, एकदम ऑर्गेस्मिक फीलिंग। अब मैंने बोला ऑर्गेस्मिक फीलिंग तो प्लीज गलत मतलब ना मत निकालना, ऑर्गेस्मिक फीलिंग मतलब एकदम मंत्रमुग्ध फीलिंग। बिल्ली रास्ता मत काटना मेरा, नहीं बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, काली बिल्ली रास्ता मत काटना। तो ये काली बिल्ली वाला कंसेप्ट बचपन से ही हमारे दिमाग में, ये हमारी सोसाइटी डाल देती है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा था तेरा, क्या बात कर रहा है, अब तो तेरा काम पक्का खराब होगा, आज तो वो काम मत कर, वो काम तो अब कल करना। काली बिल्ली बेचारी की क्या गलती यार, अब काली बिल्ली पैदा हुआ काले रंग में, और उसकी उसने कोई गलती थोड़ी की यार, वो तो जीव है यार, इट्स ऑल्सो लिविंग बींग, जीने तो बेचारी को, बेचारा वो रास्ता भी नहीं काटे मतलब है। जानवर तो ऐसे नहीं बोलते होंगे ना कि अरे इंसान ने रास्ता काट दिया, ओ नो अब तो काम नहीं बनेगा, आज खाना नहीं मिलेगा। तो ये सब इनका पता नहीं जेनेसिस क्या है यार, ऐसी कहाँ से मिर्चा बन जाती है, बट दिमाग में बन जाती है, एक बार सेट हो जाती है तो डर तो लगता है यार। काली बिल्ली प्योर, इतनी काली बिल्ली रास्ता काट देती तो पता नहीं बहुत डर लगा था मेरे को, आई वाज टू मच स्कैर्ड।
सीधा रोड स्ट्रेट, नाक की सीध में एक रोड। अमेजिंग, मिसमराइजिंग। और ये कुछ पहाड़ के ऊपर ऐसी नेचुरल फॉर्मेशंस बन रखी हैं जो कि एक दिन देखने वाली हैं। मतलब दिस इज ऑल नेचुरल, नेचुरली शेप हिल्स वुड से एकदम इनकी पीक्स निकली हुई हैं। तो ये बिकॉज ऑफ नेचुरल वेदरिंग दीप है, दीज हिल्स हैव टेकन सच शेप और बहुत सुंदर। वाह, बहुत ही मजेदार। Shit, we got a flat. Oh no, why now, man, shit. This is bad. Oh, wrong time, wrong place for a flat. बैड डे, पिछला टायर पंचर हो गया हमारा एंड वी आर स्टिल अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम गाज़ा। तो अभी इधर आई कैन वेट फॉर सम हेल्प और डू इट बाय माई सेल्फ, और यहाँ पे फ़ोन भी नहीं चल रहा है तो आई एम स्टक बैड, और मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चला मैं सुन दो से गया फिर मैं क्यों, क्रॉस किया मैंने ताबो हुआ फिर कुछ यूं, सुनसान थी वो राहें परिंदे भी ना मारे पर, 15 किलोमीटर ताबो के आगे मेरी बाइक हुई पंचर। पंचर लगाना शुरू किया फिर विदाउट होपिंग फॉर एनी हेल्प, 'cause that time I was the only one who was with myself. सबसे पहले अंटारम the एक्सेल नट, then push the एक्सेल out for a foot, rear wheel को फिर खींचो पीछे, स्पॉकेट और व्हील चेन खुद गिर जाते हैं नीचे। ट्यूब को टायर से निकालना है अब, मैं और ये स्क्रू ड्राइवर्स काम करेंगे सब। जो ट्यूब फिर बाहर देखो कहां हुआ पंचर, उसके अंदाजे से फिर खोजो नेल को टायर के अंदर। स्पेयर ट्यूब की पास मेरे नहीं थी कोई फिकर, टायर रिपेयर मुश्किल नहीं चाहिए थोड़ा सबर। नई ट्यूब को डालना है अब टायर के अंदर,
काम बड़ा मुश्किल है ये, I want surrender। Finally I got success, डायर हुआ रिम के अंदर, जीत का जश्न मनाऊंगा, फीलिंग अति सुंदर, पंप से अब भरनी है हवा इनसाइड द टायर, पंप ये खराब हवा मेरी निकली, I was in hellfire। कहीं दूर से फिर माय ब्रदर्स हैड अराइव्ड, हल्का हुआ फिर मेरा सर, आई वाज रीएनर्जाइज्ड। इस पंप से फिर शुरू किया काम हवा भरने का, पहुंचूंगा मैं काजा आज, नहीं अब सीन डरने का। दम पे दम मारो दम, हवा भर गई अब जमा जमा, गया एक और बाइकर दोस्त, मिलते दोनों सांगला में हम, साला हो गया पोपट, ट्यूब टायर में डालते वक्त नई ट्यूब भी गई थी फट, और मैं गया लंबा लटक, टायर लेकर ताबो वापस, जाएंगे जीप में सवार, पंचर वहीं लगवाएंगे, होगा ठीक सब मेरे यार। चला मैं सुंदो से गया फिर मैं क्यों, क्रॉस किया मैंने ताबो, हुआ फिर कुछ यूं, हुआ फिर कुछ यूं, हुआ फिर कुछ यूं।